गाइस, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद स्नेहा। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम हैक्स, बिकॉज अभी वेडिंग सीजन्स आने वाले हैं, बहुत नज़दीक है हमारे यहाँ पे, मतलब सबके यहाँ पे वेडिंग सीजन्स, और जून जुलाई अगस्त में आई थिंक वेडिंग शादियाँ होती हैं, जून जुलाई में स्पेशली शादियाँ होती हैं, अगस्त में भी मे बी थोड़े बहुत शादियाँ होती हैं, और उसमें जो भी लोग जाते हैं बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गर्मियों में, क्योंकि जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, स्पेशली इन बिहार झारखंड इसमें बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। तो उसके लिए आज मैं सिंपल वेडिंग हैक्स लेकर के आई हूँ, जिससे आप खूबसूरत भी दिख सकती हैं वेडिंग्स में और आपको ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो जो मेरा फर्स्ट हैक है, तो गाइस मेरा जो फर्स्ट हैक है वो है ईयरिंग्स। जब हम किसी शादीज़ में जाते हैं तो हम बड़े बड़े ईयरिंग्स प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो लहंगे पे बहुत अच्छा जाता है। तो जब हम बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनते हैं तो उसमें दिक्कत ही हो जाता है कि हमारे कान भारी होने लगता है बहुत हेवी के कारण, क्योंकि थोड़े से इस तरीके के ईयरिंग्स जो है वो हेवी होते हैं थोड़े से, तो इस वजह से हमारा कान जो है वो थोड़ा दर्द करने लगता है। तो उसके लिए मैं एक हैक लेकर के आई हूँ कि आप लोग के पास इस तरीके का लटकन बहुत ईजिली मार्केट में भी अवेलेबल होता है और बहुतों के पास होगा भी इस तरीके का लटकन, मैं दिखलाती हूँ। तो इस तरीके का लटकन होगा भी बहुतों के पास, और अगर नहीं है तो आप इसको ले लो, 20-30-40 रुपीज़ में ही मिलता है सिर्फ इस तरीके का एकदम प्लेन सिंपल लटकन, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने ईयरिंग्स को इस तरीके से सिक्योर करना है ऐसे, और फिर इसको अपने कानों में डाल लेना है। सो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सो आप इस तरीके से ईयरिंग्स में, किसी भी तरीके का ईयरिंग्स, हेवी ईयरिंग्स में इस तरीके के लटकन को लगा सकते हो, तो आप उसको लगाओ, मैं आपको पहन के दिखलाती हूँ यहाँ पे। सो ऐसे आप उसको पहन लो अच्छे से, और ये एक काइंड ऑफ हेयर स्टाइल भी आपका प्रेजेंट हो रहा है, हेयर स्टाइल भी हो गया एक तरीके से, और आपने ईयरिंग्स भी डाल लिया, और फिर इसको आपको सिक्योर कर लेना है अपने बालों में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये बहुत ब्यूटीफुल हैक है, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए, या देखो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से पहन। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे आकर के अपने बालों में सिक्योर कर लो। सो ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लगेगा आपके, आपका हेयर स्टाइल भी यहाँ पे हो रहा है। मैं सो गाइस ये देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ पे ये आ रहा है, और इसी तरीके से आप अपने दोनों ईयरिंग्स में पहन सकते हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा आपका, और आपका ईयरिंग्स भी सिक्योर रहेगा और ज़्यादा आपको ये हेवी भी फील नहीं होगा। सो गाइस हैक नंबर टू इज़, आपको किसी भी तरीके का ऐसा पेंडेंट लेना है, अगर आपके पास पेंडेंट नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी ईयरिंग्स ले सकते हो किसी भी तरीके का। तो मेरे पास ये दो पेंडेंट है, मैं इसी पे से आपको करके दिखलाती हूँ, आपको सही से दिख रहा होगा। तो इस तरीके के दो पेंडेंट हैं, और आपको सेम आपको इस तरीके का ईयरिंग्स का पट्टी लेना है, जैसा ईयरिंग का ताना होता है जिससे सिक्योर किया जाता है आपकी ईयर्स को, उस तरीके का ये वाला थोड़ा हेवी लुक में लेना है। आप इस तरीके का मांग टीका भी ले सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का मांग टीका अवेलेबल है। तो मैं आपको तीनों पे करके दिखलाती हूँ, मैं आपको ये तीनों चीज़ों में करके दिखलाती हूँ, तीन में नहीं तो फिर भी दो में तो मैं ज़रूर करके दिखलाऊंगी, बिकॉज ये दोनों सेम चीज़ है। तो मैं आपको इस पे और इस पे, ये दोनों पे करके दिखलाती हूँ, और अगर ये वाला पेंडेंट पे भी सेम ही आएगा, ये तीनों पे, इस पे करूँ चाहे इस पे करूँ दोनों का सेम प्रोसेस है, और इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो मैं आपको करके दिखलाती हूँ। ये सुई और बस ठीक है, हम इसमें गांठ लगा लेंगे एक, और ये सुई के साथ हमको कुछ नहीं करना, बस हमारा जो ये वाला है इसका जो इसमें हमें सुई डालना है, और हमारे मांग टीका वाले में इसमें यहाँ से सुई डालना है। तो आप उसको देख लीजिएगा कि सीधा है या नहीं, ये देखिए ऐसे करके आपको उसमें सिलाई मारनी है, बस इस तरीके से ऐसे डालना है। और हम लोग ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो गांठ लगाई, और बस उसको कट कर देना है हम लोग को। सो अभी सेम थिंग हम लोग को इसमें भी कर लेना है, सेम उसी तरीके से। यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर लिया है दोनों को, अब हम लोग को कैंची से इसको कट कर लेना है। ये इस तरीके से कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, और अब मैं इसको आपको पहन के दिखलाती हूँ कि कैसा है ये।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये फुल टू माथा पट्टी ले लेगा आपका। आप इस तरीके से घर में माथा पट्टी बना सकते हो, और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है इस तरीके का माथा पट्टी। आपने बहुत सारे शोज़ वगैरह में देखा होगा, या फिर सो ये आप बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में देखे होगे इस तरीके का माथा पट्टी वाला। और ये थोड़ा सा आप इसको चाहो तो डाउन से भी पहन सकते हो, इसको चाहो तो थोड़ा ऊपर से भी पहन सकते हो। इस तरीके से फूल आपका, अभी जो सोनम कपूर की शादी हुई थी तो उसमें उन्होंने इसी तरीके का कुछ कैरी किया था माथा पट्टी, इसे उन्होंने माथा पट्टी को कैरी किया था। एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट हुआ, ये बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है इस तरीके का। आप भी इस तरीके को कैरी कर सकते हो, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आपका। फुल ये एरिया सर का एरिया कवर कर ले रहा है, और घर में ही आपका सिंपल इस तरीके का लटकन से माथा पट्टी बन जाएगा। और आप चाहो तो इसको टीके में भी बना सकते हो, और आप सेम प्रोसेस है, आप सुई से इसको भी सिल करके और इस तरीके से आप उसको पे भी पहन सकते हो, उस पर भी पहन करके इससे आप पहन सकते हो, सेम प्रोसेस है। आपको इधर भी सुई से इसी तरीके जैसे मैंने आपको सिल के बताया, फिर सुई डाल करके दो धागा बांधना, दो गिड्डा बांधना है, और फिर आपका बन जाएगा। तो ये वाला मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और जो लोग माथा पट्टी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनको लगता है कि माथा पट्टी खरीदना वेस्टेज हो जाएगा, सही बात है, वेस्टेज भी है एक तरीके का। अगर हम उसको खरीद लेते हैं उसके बाद फिर एक दो फंक्शन में पहनते, उसके बाद फिर हम नहीं पहन पाते, तो आप इस तरीके से आप बना करके इसको पहन सकते हो। और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, दिखा रही हैक भी बहुत इजीली कर सकते हो अपने घर में। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है इस तरीके का। अगर आपके पास कोई भी ज्वेलरी है जो कि आपका नेक पीस है, आपको बस वो ले लेना है, चाहे आपके पास इस तरीके का पतला नेक पीस है, या फिर आपके पास इस तरीके का थोड़ा सा हेवी नेक पीस है, आपको उसको लेना है। और सबसे पहले आपको अपने इसको आपको एकदम प्लेन करते हुए पीछे किसी भी पिन से सिक्योर कर लेना है, किसी भी पिन से इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। दूसरी तरफ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, और इस तरीके से किसी भी पिन से सिक्योर कर लेंगे ऐसे। ये हो जाने के बाद आपके पास तो बस ये लेना है, और इस तरीके से अपने सर पे सिक्योर कर लेना है इस तरीके से। आप इसको पहन सकते हो, तो और ये कितना ज़्यादा पुट्टी लगेगा यहाँ पे इस तरीके से अगर आप पहनोगे। आप चाहो तो आगे थोड़ा करके यहाँ पे भी इसको पहन सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा बैक साइड में भी पहन सकते हो, थोड़ा सा हेवी करके। तो मैं आपको पीछे से बन बना करके फिर उसको दिखाती हूँ। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा हेवी बन यहाँ पे पफ बना लें, और फिर कोई भी इस तरीके का आपके पास अगर नेक पीस अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी नेक पीस है तो कोई बात नहीं, आप वो भी पहन सकते हैं। इस तरीके का पतला सा नेक पीस ले लेंगे, इसे करके सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से कितना खूबसूरत और प्रिटी आपका हेयर स्टाइल भी बन रहा है एक तरीके से, और अच्छा भी लग रहा है आपका देखने से। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेडिंग हैक पे। हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट वेडिंग हैक है वो इस तरीके वो है इस तरीके का। अगर आपके पास किसी भी कलर का प्लेन दुपट्टा है अवेलेबल, किसी भी कलर का, जिस जो जो पहनते पहनते आप बहुत ज़्यादा उग चुके हैं, आप नहीं चाहते कि आप उसको पहने, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उस दुपट्टे को लेना है और उसको प्रॉपर समेट लेना है इस तरीके से, ऐसे करके आप लोग समेट लें उसको, प्रॉपर चून बनाते हुए इसको समेट लेंगे हम लोग तरीके से। आप उसको समेट लेंगे प्रॉपर तरीके से, हम इसको पैक कर लेंगे, पूरा चून बना लेंगे। उसके बाद फिर हम कोई सा भी मांग टीका लेंगे, उसको ऐसे करते हुए पिन से हेल्प से सिक्योर करेंगे। सो आप ये देख सकते हो, उसके बाद अब हम उसको पहन के दिखलाते हैं इस तरीके से। कोई सा भी नॉर्मल सादा सिंपल दुपट्टा को थोड़ा ज्वेलरी फुल बना सकते हैं इस तरीके का। ज्वेलरी दुपट्टा आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है,
और बहुत सारे लोग पहन भी रहे हैं इस तरीके का। तो ये आपका घर में ही आप सिंपल तरीके से हैक कर सकते हो किसी भी लहंगे पर इस तरीके का दुपट्टा वेयर करने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है। इसी तरीके का आप इयर रिंग्स भी कैरी कर सकते हो। मैंने अभी छोटा इयर रिंग कैरी किया है, आप चाहो तो आप थोड़ा सा हैवी बड़ा इयर रिंग्स भी कैरी कर सकते हो। और ये देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है मेरा मेरे दुपट्टे का। तो आप इस तरीके से इस हैक को कर सकते हो। नेक्स्ट हैक है वो इस तरीके से ज्वेलरी का है। सेम आपको भी हैवी इस तरीके से बना लेना है और पफ बनाना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हैवी पफ बनाया है और इस तरीके से आप अपने सर पे पिन लगा सकते हो। पिन के हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर लो। इस तरीके से सिक्योर करके आप ये वाला भी कर सकते हो इस तरीके से। तो मैंने आपको दो इस तरीके का ज्वेलरी हैक बताया, एक आपको इयररिंग्स बताया। एंड इस तरीके का हैक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग और वेडिंग सीज़न आ रहा है तो इस तरीके के कल्लू का आप जब कैरी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। मैंने यहाँ पे ये वाला नहीं निकाला है, आप चाहो तो इसको निकाल करके फिर इसको पहन सकते हो। मैंने यहाँ पे नहीं निकाला तो सभी मुझे ये पहनना नहीं था वरना ये पूरा सेट बर्बाद हो जाता। तो आप इस तरीके से पहन सकते हो। नेक्स्ट मैं हैक लेकर के आऊँगी ड्रेस का। सो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें और जिन जिनको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये हैक्स कैसे लग रहे हैं। स्पेशली वेडिंग सीजन्स ऑन हैं, अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं या चल रहे हैं, भी होंगे बहुत सारे वेडिंग सीजन, बहुत सारे वेडिंग हो रही हैं। तो आप इस तरीके के अमेजिंग हैक्स को करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके का हैक्स पसंद आया या नहीं। सो अब मैं आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो ड्रेस हैक होगा, जो भी वेडिंग्स में जो ड्रेस पहनते हैं उस पर हैक होगा। और जो इसलिए वो हैक को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।